Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए, फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। रूस में हर रोज करीब 25,000 नए संक्रमितों की पहचान हो रही है और करीब 500 लोग जान गंवा रहे हैं। ये रूस में कोरोना के कहर का किसी एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी मास्को इन दिनों देश में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है। अकेले मास्को में 6,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसको लेकर मास्को के मेयर ने मौजूदा प्रतिबंधों को अगले साल 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इसके तहत अब 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को 15 जनवरी तक खुद को आइसोलेशन में रखना होगा। साथ ही कंपनियों को अभी 15 जनवरी तक अपने 30% कर्मचारियों को घर से ही काम कराना होगा। रूस में सितंबर से ही कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद यहां सख्त प्रतिबंध लागू नहीं किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों का मानना है कि प्रभावित इलाकों के मुताबिक किए गए उपाय वायरस पर काबू पाने के लिए पर्याप्त हैं। रूस दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं, जबकि वो लगातार दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वैक्सीन बना ली है जो वायरस से लड़ने में 95% तक कारगर है।